किसी के घर में किसी भी प्रकार की पाप की कमाई हो तो इस कथा में तो एक फूटी कोड़ी ना दें, ये पहली बात हम सबसे निवेदन करते हैं। अगर आप किसी के घर में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई पाप की कमाई हो, नंबर दो का पैसा आता हो, तो गुल्लक में भी 10 रुपये ना चढ़ाएं, थाली में तो फूटी कोड़ी ना चढ़ाएं। किसी की पुण्य कमाई हो, अपनी किसी की श्रद्धा बने, जितना प्रेम बने उतना दो, जबरदस्ती यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो प्रेम से ही सब चल रहा है, भगवान के आश्रय सब चल रहा है। लेकिन कोई भी वो संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से लोग दान कर रहे हैं या किसी प्रकार से कोई दान कर रहा हो, किसी के मन में कथा सुनकर किसी के मन में लगा चलो भाई निरंतर 108 कथाएं हो रही है, ब्राह्मण की दक्षिणा हम दे देते फलाना, लेकिन सबसे निवेदन है भैया पूरे समग्र विश्व में जहाँ तक भी ये संदेश जा रहा है टीवी चैनल के माध्यम से, मैं हाथ जोड़कर निवेदन व्यासपीठ से हर कथा में करता हूँ, किसी को भी दान करना है अपनी पाप की कमाई का एक पैसा मत दे देना। इतना पवित्र इतना बड़ा संकल्प लेकर चले हम लोग, हम नहीं चाहते कि किसी का पाप का अन्न खाकर हमारी बुद्धि बिगड़े और किसी भी प्रकार के हमारे मन में कोई लोभ कोई किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो जाए। तो भैया पाप की कमाई की कोई फूटी कोड़ी भी ना दे, यह है पहली बात। किसी की पुण्य कमाई हो, श्रद्धा हो, चाहे 10 रुपये दो, हमारे लिए 10 लाख के बराबर है। 10 लाख दो तो भी हमारे लिए उतना ही, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 रुपये देगा तो भैया अरे इसने तो कुछ नहीं दिया, कोई 10 लाख दिया अच्छी बात है, परमात्मा ने दिया है उसको, पुण्य तो उनका ही लगा। अच्छा देखो कोई दान कर रहा है तो पुण्य भी तो उसी को मिल रहा है, ये तो अपना सौभाग्य वो सोचे कि परमात्मा ने मुझे इस योग्य किया है जो आज मुझे भगवत सेवा में और वो भी भगवत सेवा में भी साक्षात श्री यमुना जी की सेवा का कार्य हो रहा है, ये अपना सौभाग्य मानकर ही कोई करें, अन्यथा कुछ करने और कोई ये सोचे कि कोई बाबा पर कर दिया हमने तो कि कोई हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है किसी का, हम कथा अपने प्रेम से करते हैं अपने लिए करते हैं। देखो कथाएं 3 प्रकार की होती है, सबके लिए भी होती है जिसमें सबका ध्यान रखा जाता है, थोड़ा व्यंग भी हो जाए, चटकुले भी हो जाए, संसारों जगत की बातें भी हो जाए, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, इसकी भी प्रसन्नता हो जाए, उसके भी, ये सबकी कथा है। एक कथा वो जो सबके लिए है और एक कथा स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाता। तुलसी बाबा ने कहा कि आपने रामायण लिखी क्यों, तुलसीदास कहते हैं स्वांताय सुखाय, तुम्हें अच्छी लगे तो पढ़ लेना, ना अच्छी लगे तो भैया पोथी घर में धर लेना, पर मैं तो अपने स्वांताय सुखाय लिख रहा हूँ। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाता, एक कथा वो जो अपने स्वांताय सुख के लिए होती है, एक कथा वो जो ना सबके लिए ना अपने लिए, केवल मेरे यमुना बिहारी के लिए, मेरे राधा रमन के लिए ठाकुर। और ये कथा तो यमुना जी के लिए हो रही भैया, इसमें ना सबकी प्रसन्नता है, इसमें ना हमारे अपने स्वांताय सुखाय की बात है, इसमें तो केवल यमुना जी की प्रसन्नता है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब निरंतर 108 काटों पर केवल यमुना जी को निमित्त बनाकर कथाएं सुन रहे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।